व्हाट्स गुड व्हाट्स गुड, दिस इज रेज म्यूजिक प्रोड्यूसर साउंड इंजीनियर। वेलकम बैक टू इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर रिएक्ट। तो रिएक्शन वीडियोस तो बहुत बनते रहते हैं, मैंने बहुत टाइम से एक एजुकेशनल या डीआईवाई वीडियोस निकाली थी। इमेजिन आपका फेवरेट आर्टिस्ट अगर एनबीए यंग बॉय है या ड्रेक है या जेजी है या एमिनेम है और आपको उसका कोलैब करना है, आप क्या करोगे? वो आपके रीच के बियॉन्ड है, राइट? बट एआई टेक्नोलॉजी से ना आज के टाइम पर तो ये सब बहुत पॉसिबल है। ठीक है, उसका ही एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ। आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख लिया रहोगे कि मेरा कोलैबोरेशन हो गया जेजी के साथ, विच इज अ ड्रीम यार। एक जेजी और एक लेडी गागा, आई वांट टू वर्क विद देम फॉर श्योर। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, करेंगे जरूर। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनको एक बहुत सारे आर्टिस्ट रैपर होते हैं जिनको हुक गाने नहीं आता, ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं कि जिनको डिलीवरी बराबर नहीं आती है या उनको एक बड़ा पिक्चर चाहिए। तो अब आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, आप डक डक गो करके एक वेबसाइट, नहीं डक एक समथिंग डक करके अभी मैंने एक वेबसाइट से बनाया था। तो मैंने आज मैं आप लोगों को एक प्रॉपर पूरा गाना मिक्स करके बताऊंगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी प्री मिक्स कर चुका हूँ, आपको एक बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं आवाज़ क्लियर नहीं आती है, मिक्सिंग बराबर नहीं होती है, बजट नहीं है ना, एक्स वाई जेड सब। आप ऑनेस्टली ये वीडियो को फॉलो करो, आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, आपके पैसे बच जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसा किया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं चैट जीपीटी यूज़ किया, मैंने चैट जीपीटी पे जाके एक लिरिक्स जनरेट की कि रीचिंग ऑन टॉप, राइट मी 16 बार वर्जन रीचिंग ऑन टॉप। प्लीज़ आप लोग आपकी क्रिएटिविटी के लिए ये मत यूज़ करना, आप अपना लिरिक्स लिखना, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने फिर एक, ठीक है, मैं स्क्रीन छोटा करता हूँ। हाँ, उसके अलावा मैंने एक बीट बनाया, मेरे पास बनी हुई थी पहले भी थी, आज अभी प्रोड्यूस नहीं किया बट इसको ट्विक किया हूँ, राइट अरेंजमेंट किया हूँ। जेजी ने कभी ड्रिल पे नहीं ट्राई किया, बोला ठीक है उन करेंगे। तो पहले बीट सुनो, फिर आप लोग, मैं वोकल पे चलता हूँ, फिर मिक्सिंग पे चलेगी, फिर मास्टरिंग पे चलेगी, ठीक है। आई नो वो क्लास बीट है, इसको थोड़ा और पंची बनाने के लिए सबसे सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। आप कभी भी अगर कोई ड्रिल बना रहे हो तो ड्रिल के पहले एक आपको एक ब्रेक देना है, तो सिर्फ ज़्यादा मेहनत मत करना, सिंपल आप उसका पहला पार्ट चॉप करो जो उसका 808 का पार्ट होगा, और उसको तीन बार या दो बार आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप पेश कर दो। अब यहाँ पे सुनना, ये आपके आपका प्रेफरेंसेस है, आपको अगर ये वाला बीच वाला पार्ट म्यूट करना है म्यूट कर दो, बराबर। लेकिन वर्ड्स गिरने के पहले एक चीज और जरूरी है, एक वो इम्पैक्ट आना जरूरी है लगने के लिए कि हाँ भाई अभी वर्ड्स आ रहा है। तो मैं साइमेटिक्स का बहुत पुराना कोबरा पैक है, जो इफेक्ट्स पैक है, ठीक है, एक नंबर, ये मैं ढूंढ रहा था, ठीक है, ये मेरे को मिल गया। अब मैं इसको साइड कर देता हूँ, अब जस्ट बस देखो आप लोग कि कैसा एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है वर्ड्स में या स्टार्ट होने पे। इसको आप बराबर इसके पहले जहाँ पे आपका वर्ड शुरू है उसके पहले डाल दो, उसको बीपीएम पे कर दो, जो आपका प्रोजेक्ट टेम्पो है मेरा फिलहाल 156 है, ठीक है, उस पर डाल दो। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं दिख रही होगी तो आई एम सो सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ठीक है, अब दिख रही होगी आपको, ओके। तो वापस मैं प्ले कर देता हूं, बराबर। अब बात करते हैं जेजी के वर्स की, ठीक है। तो वर्स मैंने वहां पे डाल दिया, मैंने आपको बताया था वो डक डक एआई से मैंने निकाला हूं, चेक करते हैं वहां पे जनरली पेस नॉर्मली मिलेगी। मैंने इसको बाद में मिक्स करके ट्विक किया हूं, मैंने उसको टाइमलाइन पे बिठाया हूं, वो बीट मेरी ए माइनर पे है तो मैंने वोकल को भी ए माइनर पे बिठाया हूँ, वो प्रीमिक्स मैंने कर दिया हूँ ऑलरेडी। सुनो, आई एम सो सॉरी, मैं जरा मिक्सिंग भी बंद कर देता हूँ, ये मेरा मिक्सिंग मिक्सर रैक है, ये सब मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब सुनो, Now that I'm here, it's a whole new game, new challenges, new hates to claim, but I'm ready for it, I'm prepared to fight it. ठीक है,
जिसे कभी इतना फास्ट गाया रैप किया ही नहीं जिंदगी में, नहीं किया मतलब इतनी फास्ट बीट पे नहीं किया कभी। ये फ्लो में तो बहुत पहले पहले वो बहुत कर चुका है व्हेन ही वाज वेरी यंग, ठीक है। ये तो मैं एक बेसिक चेन बता रहा हूँ आपको मिक्सिंग का, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, ये तो एक बेसिक 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 होती है उस पर। नाउ लेट्स हियर विद द बीट। और मैंने मिक्स में क्या किया हूँ, मैंने वोकल फाइल पे मैंने ऑडियो ट्यून रखा हूँ ताकि मैं उसको उसके जितने भी फ्लॉज है या इधर उधर के भागे हुए वर्ड्स है, जैसा फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे यहाँ पे जब वो प्ले होगा तब तो अगर आप देखोगे तो मैंने ए माइनर पे उसको सेट करके ए माइनर पे मैंने सेट करके रखा हूँ। स्केल मेरे को मेजर से हटा के हार्मोनिक नेचुरल माइनर रखना है, ठीक है। अभी आप सुनो, यहाँ पे आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये रेंज ऑप्शन सब में मोस्टली अवेलेबल होता है। मैं यूजुअली बैरिटोन या टेनर पे रखता हूँ या जेनेरिक, कभी कभी जेनेरिक भी रख देता हूँ, डिपेंड करता है गाने का इंटेंसिटी क्या है या उसके फन के हिसाब से। ओके लेट्स मूव। उसके बाद में आपका ईक्यू है, जो मैंने ईक्यू डाल दिया हूँ, अगर आप देखोगे तो पूरा लो एंड निकाल दिया हूँ और हाई एंड को बूस्ट किया हूँ। उसके बाद में आपका मेरा पहला वाला जो है वो सब्सट्रैक्टिव ईक्यू है, जिसमें अपन फ्रिक्वेंसीज हटाएंगे, ओके, या कम करेंगे। पहले वाले ईक्यू में कम करेंगे और सेकंड वाला ईक्यू जो ये वाला ईक्यू है इसको अपन बूस्टअप करेंगे, ओके। ये वाले ईक्यू को बूस्टअप करेंगे जहाँ जहाँ पे फ्रिक्वेंसी चाहिए या करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी मैंने और ये हो गया, फिर इसके बाद में डीएसिंग आ गया जहाँ पे आपके सिविलेंस हट जाते हैं। मेरे पास दूसरे भी है वेव प्लगइन के लिए, वो बहुत टाइम लेता है लोड होने के लिए, इसलिए मैंने उस पर नहीं बनाया। मैक्सिमस है, सेम काम करता है, जो आपके एक्सेसिवली दबे हुए हैं उसको रिफाइन करता है। साउंड गुडाइजर है, ये मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत इवेंचुअली ज़्यादा फेक साउंड करा देता है। और एक फ्रूटी लिमिटर है, फ्रूटी लिमिटर आपका गेन बढ़ाने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वोकल पे गेन बढ़ाना चाहिए, आवाज़ बढ़ानी चाहिए उसके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइट, मैं हमेशा रिएक्शन वीडियो तो बोलता हूँ साइट चेनिंग बहुत ज़रूरी है, साइट चेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं रीज़न बताता हूँ, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे चारों फाइल है, ठीक है, बीट की फाइल है और यहाँ पे मेरी एक्चुअल बीट है। अब मैंने बीट के ऊपर एक EQ डाल दियो, मैंने ये EQ को साइड चेन किया हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे EQ है, साइड चेन लिखा हुआ है। मैंने सारी लो फ्रिक्वेंसी हटा दिया हूँ, बैड फ्रिक्वेंसी हटा दिया हूँ, सो डायनामिक किया हूँ। रेगुलर EQ नहीं कर रहा हूँ मैं डायनामिक EQ कर रहा हूँ। डायनामिक EQ का ये होता है कि वो बहुत सारी डायनामिक EQ में ये होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को इंटैक्ट रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टू मेक इट साउंड वेरी गुड, ठीक है। अब मैं प्ले करता हूँ, अभी तक मिक्स मास्टरिंग नहीं किया, मास्टरिंग आपके सामने करूँगा 5 सेकंड के अंदर। ये EQ जो है ये साइड चेन वाला EQ है, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ये AI जनरेटेड है, ठीक है। मैंने क्या किया, बहुत सारे लोग बोलते रहे भाई डायनामिक वो वाइट साउंड नहीं करता या वो क्लियर साउंड नहीं करता, मैंने एक और लेयर ऐड किया हूँ उसको, मैं एक यूनिक सैंपल किया हूँ उसके ऊपर भी मैंने एक चेन डाला हूँ, अगर आप देखोगे तो मैंने, लेकिन उसको एडिब्स में कन्वर्ट किया हूँ जहाँ पे मैं उसके पिक्चर पे काम नहीं कर रहा हूँ, पिक्चर आपका ऑटो ट्यून वाला सॉफ्टवेयर है उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैंने किसी से साइड चेन नहीं किया हूँ, इसको मैंने साइड चेन नहीं किया हूँ, इसको मैं बीट पे साइड चेन कर दूंगा। डिपेंड, अगर मेरे को करना होगा तो, ठीक है, अगर मेरे को लगेगा कि हाँ चलो मेरे को करना चाहिए तो मैं कर दूंगा। वो क्या करेगा, जो भी फ्रीक्वेंसी वोकल की है वो बीट अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा, उसके पॉकेट्स में बिठाएगा, उसको एक्सेसिव जाने नहीं देगा। अब सुनते हैं। ये हो गया आपका मिक्सिंग, ठीक है। अभी भी थोड़ा बहुत ट्विक तो ऑब्वियसली जरूरी है, वो मैं कर दूंगा इत्मीनान से, जरूरी है ऑब्वियसली, वो क्लियर नहीं है
अब मैं बताता हूँ मास्टरिंग, मास्टरिंग में अगर आपके पास पेड सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये आपके लिए टफ हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, सिर्फ ओजोन प्रो होना चाहिए आपके पास, बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो मेरा कोर्स लॉन्च होगा उसमें ये सब मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे दूंगा आप लोग, ठीक है। ये स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, ये क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक करूँगा, वो ऑडियो को प्ले करने का वेट करेगा, ऑडियो प्ले करूँगा ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और मेरे को बताएगा कि ये गाने के लिए बेस्ट मास्टरिंग चेन क्या है। देखो ठीक है, उसके वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है इसलिए मैंने वॉल्यूम कम कर दिया था, मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। अब सुनो, आपका मास्टरिंग ट्रैक रेडी है। आप सिर्फ जो उसने जनरेट करके दिया उस पर जाइए, गेन मैच करना, एक एंड में आके आपको सिर्फ एक एक्साइटर ऐड करना है। एक्साइटर के भी आप उसके अंदर बहुत सारे, ये तो हम लोग यूजुअली जनरली जब ऑर्डर के गाने या प्रोफेशनली का मिक्स करते हैं तो हम लोग इंडिविजुअली हर एक चीज पे वर्कआउट करते हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। इसमें सिर्फ जनरल प्रेजेंस क्लिक कर देना। जनरल प्रेजेंस में क्या होगा, जो भी पीक होने वाली एलिमेंट है वो कम हो जाएगी और आपके जो रिफाइंड एलिमेंट्स हैं वो पॉप हो जाएंगे। सुनो, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे यार ये अभी भी वाइड नहीं साउंड कर रहा है, लाउड नहीं साउंड कर रहा है, वॉल्यूम कम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जरूरी है, उसके बाद में आपको एक फ्रूटी लिमिटर ऐड करो या कोई भी एक लिमिटर ऐड करो, कंप्रेशन पे क्लिक करना, इसको 5.5 dB कर देना। अगर आप ऊपर देखोगे तो 5.5 dB दिखाएगा, यहाँ पे ये जगह पे दिखाएगा आपको, ये जगह पे देखना मेरा, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है आपको शायद अगर दिख रहा होगा, एक सेकेंड, अगर आपको मेरा माउस का कर्सर दिख रहा होगा तो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है वहाँ पे, और आप इस पर क्लिक करके अगर देखोगे तो ऊपर देखो 5.6 हो गया, 5.3, 5.5 कर देना। अब सुनो, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे वो वाइनल इफेक्ट या टेप इफेक्ट वो आना जरूरी है या वो कभी कभी गाने में आए तो बेटर है, लेकिन उसके पहले आपको मास्टर चैनल -3 dB पे रखना है फॉर श्योर। और आप अगर ये एरो देख रहे हो यहाँ पे, सॉरी आपको इसमें शायद नहीं दिखेगा, हाँ जहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया वो जगह पे, उसको पूरा लेफ्ट आपको स्विंग करना है, आपको उसको पूरा का पूरा लेफ्ट स्वीप कर देना, पूरा 100% लेफ्ट पे डाल देना, तो पूरा स्टीरियो सेपरेशन हो जाएगा, एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट इंडिविजुअल साउंड करेंगे। तो दैट्स इट, ये मैंने आपको मिक्सिंग मास्टरिंग करके बता दिया, सबसे बेसिक एकदम इजीएस्ट। अगर आपको चाहिए होगा तो ये वोकल रिकॉर्डिंग चेन भी है मेरे पास, प्रीसेट भी है, प्रीसेट भी ले लेना, लेकिन फिर भी आपको ट्विक तो करना ही पड़ेगा उसके अंदर, अगर आपको चाहिए तो वो भी कर देना, और अगर किसी को ये वाली बीट चाहिए होगी तो वो भी बता देना, आई जस्ट गिव इट। आप सिर्फ नोटिस करना कि कितना डिफरेंसेस आया है, मैं विदाउट मिक्सिंग मास्टरिंग एक बार प्ले करता हूँ और फिर आप विद मिक्सिंग एंड विद मास्टरिंग सुन लें। आप लोगों ने फर्क देखे, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले एकदम प्लेन था, पंजन था, कोई स्पाइस नहीं था, उस मसाला नहीं था, इंटेंसिटी नहीं थी, कुछ इमोशंस नहीं थे। फिर मैं अपने मिक्सिंग में सुने, चेंजेस आया मिक्सिंग में, थोड़ा दबा हुआ साउंड करेगा आपको क्योंकि लिमिटर है, कंप्रेशन आया होगा उसके लिए, लेकिन वो आवाज़ का कचरा, आपके एक्सेसिव एम्फेसिस, क्या होता है एम्फेसिस,
आपके फिलर्स, आपका मड़ी पार्ट, वो सब निकाल दिया, उसके बाद मास्टरिंग चेंज ये करता है, मास्टरिंग चेंज ये सब चीजों को, फंबल हो रहा है, मास्टरिंग चेंज ये सब चीजों को टुगेदर बाइंड करता है, ठीक है, एक साथ लेके आता है। जैसे आपके खाने में मसाला होता है, मसाला डालने से भी खाना टेस्टी नहीं बनता, लेकिन आपको सॉल्ट बहुत जरूरी है, उसी तरीके से मास्टरिंग चेन बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इग्नोर करते आ रहे हैं, EQ कर दिए, मत करो ऐसा, ठीक है। तो ये आपके लिए, अगर आपको आपके फेवरेट आर्टिस्ट को फीचर करवाना है आपके गाने में, तो बूम, आपके लिए ऑप्शन रेडी। तब तक के लिए पीस आउट गाइस, सुन लो। It's a whole new game, new challenges, new hands to claim. But I'm ready for it, I'm prepared to fight and keep clearing. Hotter with all my might, I know there'll be setbacks and failures to face. But I won't let them bring me down from this place. I work too hard to let it slip away. I keep striving. एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया, अगर आप लोगों को वेरिएशन चाहिए होगा तो आप लोग बीच में से कुछ भी म्यूट कर देना, कोई आपको मेलोडी लगती है एक्सेसिव है, अभी आप देखना डिफरेंस सुनना। It's a whole new game, new challenges, new hands to claim. But I'm ready for it, I'm prepared to fight and keep climbing. Hotter with all my might, I know there'll be setbacks and failures to face, but I won't let them. Tab tak ke liye.